हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो विल डू पोएम सिक्स द डक एंड द कंगारू ऑफ क्लास एट इवन दिस पोएम इज़ इन क्लास नाइन्थ एज वेल सी बी एस ई बोर्ड क्लास नाइन्थ सो लेट डू वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम सेट आउट बिगिन स्टार्ट शुरू किया जब हम कोई भी काम को शुरू करते हैं तो हम उसमें सेट आउट वर्ड यूज़ कर सकते हैं वेरी केयरफुल सचेत रहना सो अ डेज वी शुड बी वेरी बिकॉज दिस विंटर सीजन इज़ सेटिंग इन सर्दी शुरू हो रही है तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए अपने हेल्थ को लेके ग्रेशियस मर्सीफुल दयालु सो द वन हु इज़ मर्सीफुल हु इज़ ग्रेसियस दे आर काइंड टूअर्ड्स पुअर पीपल टूअर्ड्स बेगर्स नेस्टी डॉटी गंदा कोई चीज़ जो है डर्टी है मैली है तो हम उसके लिए नेस्टी वर्ड यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग डिज़ायर डी ई एस आई आर ई इच्छा सो चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर गिफ्ट टॉयज है ना आप लोग डिज़ायर करते हैं कि आपको गिफ्ट मिले टॉयज़ मिले आप लोग एंजॉय करें रिफ्लैक्शन थाट विचार करना सो वी शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट बिफोर डूइंग एनी वर्क हमें भी थाट करना चाहिए विचार करना चाहिए कोई भी कार्य करने से पहले प्रोबेबली पर शायद सो रोमैथिस अ डिसीज गठिया का रोग सो so, जो विंटर होता है उसमें लोगों को ठंड के वजह से ये समस्या होती हैं तो जो हड्डियाँ होती हैं बोन्स होती हैं उसमें दर्द होता है और स्वेलिंग होती हैं सो उसको हम रोमैटिस कहते हैं और गठिया का रोग हिंदी में क्लोक लॉन्ग कोट लंबा कोट सो so, लंबा कोट पेल डल नीरस सो वैन एवर यू आर नॉट लाइकिंग एनी थिंग सो देन वी कैन से दिस इज पेल सो समाइम मैनी अ टाइम्स अ पर्सन बिकम्स पेल वेन ही सिख अगर हम बीमार होते हैं तो हम पेल अपियर होते हैं हम हम लोग निरस लगते हैं डल लगते हैं वॉस्टेड डब्ल्यू आर एस टी डी वोस्टेड वूलन ऊनी या ऊन का सो दिस वर द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस पोएम द ड एंड दंग सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस पोएम क्या इस पोएम में क्या सेंट्रल आइडिया है दिस इज अन सेंस वर्स नॉनसेंस मतलब ऐसी कविता जिसमें बहुत हंसी होती हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉनसेंस सेंस वर्स वर्स मीन्स कविता इट गिव्स अ लॉट ऑफ ह्यूमर एच यू एम ओ यू आर ह्यूमर इसमें हमें बहुत हंसी देखने को मिलती है हम बहुत हंसते हैं जब हम इस पोएम को पढ़ते हैं द डक फेल्ट बोर इन द पॉन्ड सो शी रिक्वेस्टेड द कंगारू टू टेक हर ऑन अ लॉन्ग ट्रिप जो डक है वो अपने तालाब में बहुत बोर हो चुकी हैं इसीलिए वह कंगारू से कहती है कि वो उसको एक लंबे से ट्रिप पे लेके चले कंगारू वॉज़ अफ्रेड दैट इफ़ ही डिड सो ही कुड कैच रूमैटिज्म अब जो कंगारू है उसको डर लग रहा है कि अगर उसने डक को अपने पीठ पर बिठाया तो उसको रुमेटिज़्म हो जाएगा उसको बाई हो जाएगी लेकिन उसके बाद जो डक है वो उसको कुछ आइडिया देती हैं डक सेट शी वुड वियर सॉक्स एंड कोट लेकिन डक कहती है कि चिंता की बात नहीं है मैं जुराबे भी पहनूंगी और लंबा कोट भी पहनूंगी शी वुड स्मोक सिगार देन द कंगारू एग्रीड और उसने कहा मैं साथ में सिगार भी पीऊँगी तो मेरा बदन गर्म रहेगा और तुम्हें रोमैटिज्म नहीं होगा गठिया का प्रॉब्लम नहीं होगा उसके बाद जो कंगारू हैं वो एग्री हो जाता है मान जाता है इस बात के लिए और दे बोथ इन्जॉयड द ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड थ्री टाइम्स और उसके बाद डक और जो कंगारू हैं वो दोनों मज़े से दुनिया का भ्रमण करते हैं तीन बार और उसको इंजॉय करते हैं तो ये हमारी पोएम का समरी है थीम है लेटर्स टू क्वेश्चन आंसर्स राइट फाइव रैमिंग वर्ड्स आपको आइडिया हो जाएगा आप पोएम से और भी रैमिंग वर्ड्स लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल हु कंगारू बाउंड राउंड पेल टेल क्लोक स्मोक रॉक्स सॉक्स तो इस प्रकार रैमिंग वर्ड्स होते हैं रैमिंग वर्ड्स में मोस्टली uh, जो लास्ट के लेटर होते हैं दो तीन uh, ये सेम uh, इनका प्रनाउंशिएशन होता है uh, फिर इन वर्ड्स का जो प्रनाउंशिएशन है वो सेम होता है क्योंकि जो लास्ट के दो तीन लेटर होते हैं वो सेम होते हैं राइट right? सो कंप्लीट द डायलॉग ये आपका बुक का एक्सरसाइज है डक कहता है डियर खंगारू वाई डोंट यू गिव मी राइड ऑन योर बैक तो डक कहता है कंगारू को कि मुझे अपने पीठ पे बिठाओ और मुझे दुनिया का भ्रमण कराओ सो mm खंगारू -hmm. so, कहता है विथ प्लेजर माय डियर डक दो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू बैलेंस माई सेल्फ तो कंगारू कहता है बिल्कुल मुझे खुशी होगी तुम्हें अपने पेठ में बिठाना और दुनिया का भ्रमण करवाना लेकिन मैं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाऊँगा डक कहता है दैट वोट बी अ प्रॉब्लम आई विल सिट फॉर्मली डक कहता है इसमें आपको चिंता करने की बात नहीं है मैं बहुत टाइटली बैठूँगा बहुत प्रॉपरली बैठूँगा और बैलेंस को कोई समस्या नहीं होगी सो दीज आर डायलॉग्स इन योर टेक्स्ट बुक सो इन दिस वे वी कैन फील दीज डायलॉग्स नाव अगेन वन मोर क्वेश्चन वाई डिड द डक रिक्वेस्ट दंगारे हर ऑन अ लॉन्ग ट्रिप डक ने कंगारो को रिक्वेस्ट क्यों किया कि उसको लॉन्ग ट्रिप पर लेके जाएंगे बिकॉज द डक वॉज बोर इन द इन दैट नेस्टी पॉन क्योंकि जो डक थी वो उस तालाब में उस डर्टी तालाब में बोर हो रही थी इसीलिए उसने खंगारू से रिक्वेस्ट किया कि वो भी उसको अपने साथ घूमने लेके जाए वि दंघारू से खंगारू ने क्या कहा दंघारू सैड ही हैड वन ऑब्जेक्शन कंगारू ने कहा कि उसको एक ऑब्जेक्शन है उसको एक प्रॉब्लम है वट वॉज द ऑब्जेक्शन ऑफ द खंगारू कंगारू का क्या ऑब्जेक्शन था उसको क्या समस्या था ही सेट दैट कोल्ड फीट ऑफ द डकूड मेक हिम सफ़र फ्रॉम रिमेटिज्म सो कंगारू ने कहा कि डक के ठंडे पैरों की वजह से उसको रिमेटिज्म हो सकता है तो ये उसका ऑब्जेक्शन था ये उसकी समस्या थी वट सोल्यूशन वॉज गिवन बाय द डक और डक ने इस सोल्यूशन का क्या समस्या दिया द डक सेट दैट शी वुड वेयर सॉक्स एंड लॉन्ग कोट शी वुड स्मोक सिगार सो दैट कंगारू वुड बी अफ्रेड ऑफ रिमेटिज्म सो द कंगारू वुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ़ र्यूमेटिज्म और इसीलिए कंगारू को र्यूमेटिज्म से डरना नहीं चाहिए सो दिस इज़ द आंसर डक ने कहा कि वो एक जुराबे पहनेगी लंबा कोट पहनेगी और साथ में सिगार भी पिएगी तो कंगारू को फिर रिमैटिज्म से डरना नहीं चाहिए क्योंकि जो डक है उसका बदन गर्म रहेगा और फिर जो कंगारू है उसको रिमैटिज्म नहीं होगा मैंने आपको बताया रिमेटिज्म मतलब गठिया बाई हाउ डिड कंगारू रिस्पॉन्ड और जब कंगारू को डक ने यह बताया इस प्रकार से अपना प्लानिंग बताया तो फिर कंगारू ने क्या जवाब दिया ही एग्रीड एंड एडवाइज द डक टू सिट स्टडी ऑन हिज टेल एंड उसके बाद कंगारू मान गया उस बात को एग्री किया उसने और उसने सलाह दी डक को कि वो उसके टेल के एंड में बैठेगी स्टडी मतलब फॉर्मली हाउ डिड दे फील तो उनको कैसा महसूस हुआ दे बोथ वर वेरी हैप्पी तो जो कंगारू था और डक था उन दोनों को बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने अर्थ के तीन चक्कर ले लिए तीन बार वो उन्होंने अर्थ की परिक्रमा की तो उनको बहुत मज़ा आया वाई डिड द प्वाइट यूज रॉन्ग स्पैलिंग ऑफ रूमेटिज्म और रूमैटिज क्वाइट ने ये जो वर्ड है इसका गलत स्पेलिंग uh, क्यों यूज़ किया है सो दैट रू वर्ड मैच विथ कंगारू जो पॉइट है उसने इस तरीके से किया ताकि जो रू वर्ड है वो कंगारू से राइम कर पाए इसीलिए लिए ने इस वर्ड की स्पेलिंग इस प्रकार लिखी वाई डिड द पॉइट यूज़ एम कैपिटल इन रू मैटीज़ जो पॉइट है उसने रू में एम को कैपिटल क्यों लिखा बिकॉज फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज़ ऑलवेज कैपिटल अब बेटा इसमें क्या हुआ जो पॉइंट है उसने सेंटेंस के एंड में आर डबल ओ रू वर्ड लिखा और इसका जो आधा पार्ट है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा मैटिस अब जो नेक्स्ट लाइन है उसका फर्स्ट वर्ड अगर मैटीज है तो एम को कैपिटल बनाना पड़ेगा क्योंकि एज पर द ग्रामर फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज़ ऑलवेज़ कैपिटल और उसने इसी इस वर्ड को ब्रेक किया सो दैट पोएम की राइम स्कीम बनी रहे और पोएम की ब्यूटी बनी रहे do you find the poem humorous write few humorous लाइन क्या आपको ये पोएम हंसी वाली लगती हैं हास्यप्रद लगती हैं और अगर हाँ तो कुछ लाइन्स लिखिए yes the poem is humorous बिल्कुल ये जो पोएम है ये हास्यप्रद है I have bought a clock every day a cigar I sell smoke तो इस प्रकार आप ये दो लाइन लिखिएगा तो आप एग्जाम्पल भी दे पाएंगे वट इज़ राइम स्कीम ऑफ द पोएम जो पोएम है उसमें uh, अधिकतर देखेंगे तो राइम स्कीम आपको मिलेगा ए बी ए बी सी सी ए ए सो स्कीम बेटा राइम स्कीम देखने के लिए आप जो लाइन है उसके एंड के वर्ड्स को देखा करो और जो वर्ड्स का प्रनाउंशिएशन मिलता हो जिनकी साउंड मिलती हो वो वर्ड्स आपस में राइम करते हैं और उनको हमको सेम साउंड देना चाहिए आई होप आपको ये पोएम का जो हमने मैटर दिया है क्वेश्चन आंसर समरी वर्ड मीनिंग पसंद आया होगा थैंक यू स्टे सेफ स्टे हैप्पी